तो गाइस अभी मैं लामाचौर चौराहे के जरा ये साइड आया हूँ। वो साइड का तो मैंने लगभग आपको दिखाई दिया, देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ये साइड का। तो अभी ये साइड का भी यहाँ पर टूटना तो यह कह रहे हैं। यहाँ पर एक चक्की की दुकान है और यहाँ पर एक बुक्स की दुकान है, इनसे भी बातें करेंगे। सर कैसे हो? सर क्या हाल चाल है? तो यहाँ भी तोड़ने की बात हो रही सर? यहाँ भी तोड़ने की बात हो रही है? अभी नहीं हो रही है? तो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर तोड़ने की बात नहीं हो रही है और यहाँ पर एक बुक की दुकान भी है। भैया कैसे हो? क्या हालचाल है आपके? ठीक चल रही है दुकान? तो यहाँ नगर निगम कुछ नोटिस आया क्या आपके? अभी तोड़ना है क्या यहाँ? नहीं, नगर निगम का तो नहीं आया है, नगर निगम में नहीं हुआ है। हाँ, किसमें हुआ? पालिका में? नहीं, ये तो ग्राम पंचायत में हुआ। पंचायत में ना, ग्रामीण क्षेत्र में आया ये। जितना कहेंगे तो उतना तोड़ दिया। अच्छा अच्छा, तो वो साइड से कह रहे हैं कि यहाँ भी टूटेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना? वो कह रहे हैं कि इधर से भी उतना ही टूटना है, तो यहाँ नहीं टूटना है अभी? नहीं नहीं, हमको जो पीडब्ल्यू वाले थे, हाँ हाँ, जो बता रहे कि स्कूटी की दीवार 1 मीटर अंदर जाएगी। अच्छा, स्कूटी से यहाँ 1 मीटर, तो थोड़ा बहुत जाएगा आपका। ये कर दीजिए, तो वहाँ था, यहाँ कर दिया हमने। अच्छा, आपका आगे था? यहाँ था हमारे। अच्छा, आपकी दुकान यहाँ थी? हाँ। अच्छा, पीछे कर दिए? लग तो नहीं रहा पीछे कर दिए ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पहले का ही होगा एकदम। अच्छा, चलो चलो चलो, तो ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? अब अगर इतना ही अगर करे, इतना ही किया जाए जो सही है, ये तो लीगल है। अब इससे ज्यादा तो कुछ ज्यादा परेशानी होगी। लोग वहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा इतना मीटर ले लिया, कटघरिया में 6 मीटर लिया है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें ये कहना चाहिए कि लोगों को जितना जितना कम परेशान किया जाए, बहुत परेशान हो गए हैं, तो फिलहाल लोग ले जाए, जितना जरूरत होती है उतना ले जाएगा। क्योंकि ये ग्रामीण एरिया है, शहर का एरिया नहीं है। शहर के एरिया में तो चलो हम मानते हैं कि ट्रैफिक बहुत होता है, यहाँ पर गाँव में कोई ऐसा ट्रैफिक तो है नहीं ना। ये नहीं, गांव क्या है, इसे ये तो सीधा रामनगर को कालाढूंगी, काफी व्यस्त रोड है ये। हाँ, तो इस और यहाँ से उधर को चौराहा भी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन चौराहे में काफी जगह मिल गई है, वो देख लीजिए। अगर उधर को कंट्रोल करें, उधर कंट्रोल अभी पूरा पड़ा है, नाला बंद होगा तो काफी जगह हो जाएगी। अच्छा, तो इसे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को जितना कम परेशान किया जाए, उतना जितना काम हो जाए। जैसे रोड अगर बननी है तो थोड़ा थोड़ा 1.5 मीटर 2 मीटर बना दें, तो उससे लोग। तो यहाँ पर ये लोगों ने अतिक्रमण किया था या फिर क्या था? नहीं, यहाँ पर तो हमारा तो जो था, आज से पहले ये मान लीजिए कि 80-90 साल पुरानी दुकान थी, तो दुकान तो हमारी लीगल यही तक थी। तो उसके बाद जो एक टीचर हमारे पिताजी ने बनाया हुआ, तो यहाँ तक हम जो PW आए थे, बोले थे कि यहाँ पर दरवाजे तक कर लो, फिर बोले आपका दरवाजा बाहर आना, तो आप ये स्कूल की बॉडी से एक दूसरी सीट में यहाँ पर कर लीजिए बोले। तो अगर इसके ऊपर अगर होता है तो फिर गलत रोजी परेशानी रहेगी। तो कोई चीज़ तो कोई लिमिट के अंदर हो तो वो अच्छी है। अब वो सरकारी कर्मचारी आए तो वो कहते कि नहीं जी, इतना हटा दो और इतना तोड़ दो, एक तानाशाही वाली बात भी नहीं हो रही थी। जनता को वो रखते हुए तरीके से विचार किया जाना चाहिए, ताकि परेशान भी ना हो, गरीब लोग हैं, परेशान होते हैं आदमी। अब हमको इसी को लगा, एक महीने हमारी दुकान बंद रही। अच्छा, ये पूरा टीन शेड वहाँ तक था। ये तार किसने लगाए हैं? ये तार मैडम ने लगाया। अच्छा अच्छा, स्कूल भी है यहाँ पर? हाँ, स्कूल है। अच्छा अच्छा, तो ये जो पूरे हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण हटाओ बचाओ चल रहा है, ये सही चल रहा है गलत चल रहा है? नहीं, ऐसा है ना, कहीं कहीं जगह पर तो सही है, अब कहीं जगह पर बहुत ज्यादा भी वो भी गलत है। ये तो जनता को जिम्मेदार है, और फिर अधिकारी लोग आते हैं तो वो अगर सरकार खुद कहती है, अधिकारी लोग खुद कहते हैं कि वो नहीं जी, आप वो 2 मीटर कहेंगे तो वो नहीं, पूरा आप यही हटा दीजिए, ये भी नहीं। जो नियम है उस कागज के अनुसार कि नहर से अगर 6 फीट आता है तो नहर से 6 फुट आप उनको बताइए कि नहर से नहर वहाँ पर है तो नहर से 6 फुट आप ले लीजिए। अब नहीं कि वो कहते हैं कि उधर ही 12 मीटर उधर, अब जहाँ पर अतिक्रमण लीगल अतिक्रमण है, जहाँ पर नहर को पूरा अतिक्रमण होता है, नहरें 10-10 फीट के 12 फीट के, वो अतिक्रमण तो होते हैं। तो यहाँ ये चौराहे में आप क्या मानते हैं, अतिक्रमण था क्या? ये जो दिख रहा है तो ये अतिक्रमण था, यहाँ कर रखा था कहीं पर? थोड़ा तो था, ऐसा भी हम भी नहीं कहेंगे कि नहीं था। थोड़ा तो 1.5 मीटर 1 मीटर होता है, यहाँ तो 2-3 मीटर है, वहाँ 5-5 मीटर। वो आप भी कह रहे हैं, यहाँ पर नाला था, तो नाला लोगों ने पाट करके उसके ऊपर डेंट डाल दिया, तो वो कर रखा है। ठीक है, हमारी जो नहर थी वो नहर यहाँ पर थी, जहाँ पर टाइल लगी हुई है। अच्छा, यहाँ आगे ये जो पत्थर लगे हुए हैं? हाँ, नहर से वो 6-7 फीट की बात कर रहे थे। ठीक है, 6-7 फीट, तो वो लोग यहाँ के कहने लगे कि 12 मीटर दो। अब जो लोग यहाँ के कह रहे थे, लेकिन जो PW वाले आए उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसकी सीट तक जो है आप इतना कर लीजिए। अच्छा, यहाँ से इधर को? हाँ, इतने में लेवल है। तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कहा आप नियम के हिसाब से चलिए, जो है अब लोगों के कह रहे थे, जनता तो फिर भी कहेगी, लेकिन यह है कि मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हमारे भाई हैं, सब अपने भाई लोग हैं यहाँ पर, इस सबका जो है विचार करके एक थोड़ा लिमिटेशन कम होनी चाहिए, ताकि लोग परेशान ना हो, चाहे कोई भी हो। अब अतिक्रमण तो हुआ है, अतिक्रमण को रोका नहीं गया, 50 साल पहले से ही अतिक्रमण चल रहा है। 50 साल पहले रोक लिया जाता तो शायद ये नहीं होता। तो यहाँ लाइट पानी तो आता है बराबर? लाइट पानी बिजली तो, हाँ, लाइट पानी कटअप तो नहीं होता है? नहीं, कटअप नहीं होता। पानी की समस्या कितनी है यहाँ?
पानी की समस्या भी ये नहीं कहा जाए तो कितनी है, पानी भी थोड़ा बहुत है या पानी की जनता के हिसाब से तो पानी की समस्या हो जाती है, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती है वहाँ पर समस्या होती है। पॉपुलेशन कितना है ये एरिया में, ज्यादा है? पॉपुलेशन तो हल्द्वानी, अभी हल्द्वानी तो ज्यादा है, नगर निगम है, लेकिन ये तो ग्रामीण एरिया है, थोड़ा कम है। जहाँ पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन का दूसरा कारण तो वही पानी की कमी, लाइट की कमी, हर चीज होगी होगी जितना पॉपुलेशन होगी। अच्छा, जैसे आपने किताब की दुकान खोली है तो कितना फर्क पड़ा है अभी, किताबें जैसे कोई खरीद नहीं रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अतिक्रमण से? नहीं नहीं, अतिक्रमण से कुछ, जैसे आपकी ये दुकान है, अतिक्रमण की तो बात हो गई है। जैसे अभी नया सत्र चल रहा है, एकदम मैं खाली खाली देख रहा हूँ हर कहीं बुक सेलरों की दुकान पे, तो कॉपी तो लोग बात ले नहीं रहे क्योंकि किताब आई नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? सरकार फ्री में किताबें दे रही है और कुछ किताबें जो है चेंज कर रही है, अभी तक मतलब प्रिंट नहीं हो रही हो किताबें, तो क्या कहेंगे इस पे आप? किताब के बारे में तो आप सरकार का, आपको भी नुकसान हुआ है? नहीं, इसमें तो मैं नुकसान की बात नहीं कहते, वो तो सरकार अपनी तरफ से किताब दे रही है, बच्चों को बांट रही है, उससे हमको नुकसान और फायदा नहीं। आप किताबें भी बांटते हैं खाली, कॉपी मैं कॉपी लाते हैं और एनसीईआरटी की किताब लाते हैं, इंग्लिश मीडियम की। तो इस बार किताबें बिक रही है आपकी? नहीं, किताबें नहीं बिक रही। तो फर्क तो पड़ रहा होगा? वो किताबें भी नहीं, वो किताबें भी कैसे बिकेंगी, 8 साल से किताब बिकी चल रही है, तो एक बच्चा एक दूसरे से मांग लेता है। हाँ बराबर, जो लीगल बात है। लेकिन अतिक्रमण के मुद्दे पर बात किया जाए कि जिनका, जितना जनता को कम परेशान किया जाए तो उतना अच्छा है। अच्छा अच्छा, लोगों को लगता है कि यार कोई परेशानी नहीं, एक महीने तक दुकान बंद रही है, पूरा आगे का टीन शेड डरा, फिर यहाँ से काटा, फिर आगे तोड़ा, ये दरवाजा पीछे था, ये दरवाजा आगे लगाया, आपने खुद ने करा ये? हाँ, खुद करा। अच्छा अच्छा, वो तो फिर तोड़ देते एकदम? नहीं, तोड़ नहीं गए, वो ऐसा भी नहीं किया उन्होंने, तोड़ नहीं, अगर आप नहीं करते तो वो तो तोड़ते है ना, नुकसान हो जाता। हाँ, तोड़ते, लेकिन ऐसा भी उन्होंने गलत नहीं किया, बताया उन्होंने तो, लेकिन ये कह रहे थे कि इतना हो। तो मेरी नजर में रहा है कि जितना सरकार के हिसाब से जितना नियम होता है, जहाँ पर जितना है उतना लेते, कहीं अगर 6 फीट है तो 6 फीट रहना चाहिए, कहीं 3 फीट है तो 3 फीट रहना चाहिए, कहीं 2 मीटर है, कहीं 1 मीटर है, क्योंकि सरकार के हिसाब से, आंकड़े हिसाब से अलग अलग बताते हैं ना, कहीं जमीन सरकार की ज्यादा होती है, कोई कम होती है। तो यहाँ पर जैसे अभी चौड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को क्या फायदा होगा? तो देखो, फायदा तो आपको ही होगा ना? नहीं, फायदा तो हमको तो नहीं होगा, फायदा तो सभी जनता को होगा पूरी। अगर एक शॉर्ट एम्बुलेंस जाती है तो उसको फायदा होगा, मरीज भी पहले पहुंचेगा, हमारा फायदा तो बाद में, लेकिन एम्बुलेंस जाएगी तो उसको फायदा होगा, सभी का फायदा है। कोई आदमी अगर मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ले जाना है हल्द्वानी, तो अगर जाम लगा है तो वो नहीं जा पाएगा। तो ये रोड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, आप ये मानते हैं? एक्सीडेंट तो नहीं होते ये रोड में, काला डूंगी रोड में काफी, यहाँ पर तो कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ नहीं, काफी गाड़ियाँ जलती है यहाँ पर। अभी आपको देखो ट्रैफिक को दिख रहा, आपको यहाँ पर ट्रैफिक है, रामपुर रोड पर कितना ट्रैफिक है, हल्द्वानी का तो ये अभी 10 मिनट कुछ भी नहीं है, हल्द्वानी बहुत ट्रैफिक हुआ, हल्द्वानी की डीजल में जाम लग जाता है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए, आपका दिन शुभ हो, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो गाइस, यहाँ पर लोगों से बात करी मैंने और लोगों ने अपना दुख दर्द जताया और बताया कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर होगा। ये जो दीवार आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दीवार भी पूरी जाएगी, बीच में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई थी।